रायपुर से, जहां पर रोड सेफ्टी को लेकर एक यहां पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है और 27 सितंबर से ऐसा किया जा रहा है। रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम में 27 सितंबर से रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज का आयोजन किया जा रहा है, जिसको लेकर श्रीलंका लेजेंड्स और इंग्लैंड लेजेंड्स की टीम रायपुर पहुंच गई है। और इस रायपुर पहुंचने वाले क्रिकेट जगत के दिग्गज खिलाड़ियों में सनत जयसूर्या, तिलक रत्ने, दिलशान, इयान बेल शामिल हैं। सभी खिलाड़ियों को कड़ी सुरक्षा में एयरपोर्ट में मेफेयर रिसॉर्ट ले जाया गया। बता दें कि रायपुर में कुल 5 मैच खेले जा रहे हैं, जिसमें 2 लीग मैच होंगे, जबकि 2 सेमीफाइनल और फाइनल मैच भी रायपुर में ही खेला जाएगा। पहला मुकाबला शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में 27 सितंबर से होगा। और बात करेंगे मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर की, जहां पर एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे देखकर सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि क्या गरीबों को अंतिम संस्कार करने का भी हक नहीं है। दरअसल नरसिंहपुर के बसूरिया के रहने वाली 18 साल के युवती का शव रेलवे ट्रैक पर मिला, जिसके बाद परिजनों को सूचना देकर प्रशासन ने शव को साली चौका सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। लेकिन हद तो तब हो गई जब वहां मौजूद स्वीपर और पोस्टमार्टम करने वालों ने परिजनों से पैसे की मांग की। वहीं जब परिजनों ने कहा कि उनके पास पैसे नहीं है, तो पोस्टमार्टम तो हुआ, लेकिन बॉडी को बिना सिले ही परिजनों को सौंप दिया गया, जिसके बाद परिजनों ने किसी तरह से शव को कपड़े से बांधा और गांव ले जाकर अंतिम संस्कार किया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में जो संवेदनहीनता अस्पताल के कर्मचारियों ने दिखाई है, वो शर्मसार करने वाली है। वहीं जब इस पूरे मामले की जानकारी गांव वालों को हुई, तो गुस्साए ग्रामीणों ने उप थाने का घेराव कर मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। वहीं मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने ग्रामीणों को निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है। कि स्लीपरों द्वारा पैसों की मांग की गई, मृतक के परिवारों ने दो दो तीन बार पैसे भी दिए, आखिरी बार फिर पैसे मांगे गए और दारू के नशे में धुत मिले वो लोग सब। उसके बाद पूरी तरह सिला नहीं गया, जैसा तैसे कपड़ों में बांध कर, पूरी तरह नहीं, बिल्कुल नहीं सिला, बिल्कुल भी नहीं सिला, कपड़ों में बांध के पूरा परिवार उसको लेके आया, ट्राली से नीचे तक नहीं उतारा और उसका दाह संस्कार हम लोगों ने किया। उधर पिपरिया कॉलेज पढ़ने जाती थी, जो कि 23 तारीख को गाडावारा रेलवे स्टेशन से अपने बहन के यहाँ गई हुई थी और बिना इटारसी से लौट रही थी। भाई उसे स्टेशन पर लेने आया था, परंतु वह बिना स्टेशन पर नहीं, साली चौका स्टेशन पर नहीं आई। जब नहीं आई तो उसकी खोजबीन की गई, खोजबीन करने के बाद उसकी अज्ञात गुमसुदगी की रिपोर्ट हमने गाडावारा में कराई। उसके बाद दूसरे दिन 24 तारीख को कुमारी वर्षा कुशवाहा रेलवे ट्रैक साली चौका के पास में पाई गई, जो कि 24 घंटे से ज़्यादा हो गई। पूरी तरीके से शंका की आशंका है कि और निश्चित रूप से दोषियों के ऊपर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। दूसरी मांग हमारी ये है कि 24 तारीख को वर्षा के पोस्टमार्टम के द्वारा, स्लीपरों द्वारा जो अभद्र व्यवहार किया गया, बॉडी को बिना सिले हमको सौंपा गया, हमने खुद उसको कपड़े में बांधकर हम ले गए और उसका दाह संस्कार किया, निश्चित रूप से ये क्रूरता की श्रेणी में आता है। दोषियों के विरुद्ध जरूर से जरूर कार्रवाई होना चाहिए। तो स्वीपरों ने वहाँ अभद्रता का व्यवहार किया है सर। क्या किया? जो बॉडी को खुली छोड़ दी, उन्होंने सिला नहीं, हम जैसे की मांग भी की गई,